चैलेंज करने आ रहे हैं आशीष फ्रॉम पुनीत के पैंथर। आशीष, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट वीक मैंने आपके और प्रोनिता के जोड़ी को एक नाम दिया था एशनीता। वो बहुत ही फेमस हो गए हैं, पागल हो गए हैं लोग, यू नो सोशल मीडिया पे सिर्फ आप दोनों के ही जोड़ी के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक कपल है जो आपकी इस जोड़ी को पसंद जरा भी नहीं कर रहे हैं। कौन है वो? मिलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। चलिए फिर आपको मिलवाते हैं उनसे। कौन है यार? पीछे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, आप इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे कि ये कपल कौन है? ये कपल दुनिया का क्या, पूरे ब्रह्मांड का क्या, सब जगह का बेस्ट कपल है, मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मेरे में कोई कमी है भाई? हमेशा का हर बच्चा माँ के लिए बोलता है, बाप को तो भूल जाता है। पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको अभी तक आशीष और प्रोनिता का परफॉर्मेंस कैसा लगा, जिसे मैंने एक नाम दिया था एशनीता? देखो जी, आशीष का तो अस ले लिया और प्रोनिता का नीता ले लिया और बना दिया अश्नीता। इस बात का भी पूरे हरियाणा में डुंडा उठ रहा भाई। डुंडा उठ रहा है। वो क्या होता है? मतलब? वो ये होता है कि भाई जैसे एक अजब हो जाए तो लोग खुशी मनाते, उस समय बोलते उसको शब्द को कि भाई डुंडा ठा दिया रहे। डुंडा ठा दिया। माता जी आप कुछ नहीं कहेंगे? सपना सा लग रहा है मेरे को। सपना सा लग रहा है? सपना सा ही लग रहा है मेरे को तो ये। कि इतने बड़े स्टार के सामने मैं खड़ी हूँ आज, ये एक सौभाग्य वाली बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी मतलब सपना पूरा हुआ है। क्या बात है। और देखो और सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस छोरे को अपने ना इस डांस की वजह से कई दफे पीटा है, 100-150 दफा आया हूँ मुंबई, लेकिन मेरे लड़के ने मुझे हवाई जहाज में उठा दिया। अरे वाह। ये सपना था हमारे लिए साहब। ये जब उनके पिताजी खुद कहते हैं तो मुझे लगता है कि बेटे को क्या फख्र महसूस होता होगा इस वक्त कि मैंने मेरे डैडी मामी को इतनी खुशी तो दी है। इससे बड़ी बात और बेटे के लिए क्या हो सकती है। मुझे एक बात बताइए कि आशीष यू नो गांव में भी ऐसे ही डांस करता है जैसे यहां पे कर रहा है? अरे मैं बताऊं भाई, अमारती का इन्हें डांस नहीं दिखाया मेरे बेटे ने, कभी नहीं दिखाया। मन्ने धन से जिंदगी में पहली दफा इस जीटीवी पे डांस देखा है। क्या बात कर रहे हैं। दोनों में इस बेटी के साथ देखा है और भाई बहुत अच्छा लगा, सारा शहर सारा हरियाणा चुंबन लग रहा है इस बात ने, बहादुरगढ़ के सोनीपत के सब डुंडा ठान लग रहे हैं। चलिए फिर, आपने जैसे कहा कि आपने कभी इनका डांस यू नो लाइव नहीं देखा है, तो आज ये सौभाग्य आपको मिलता है कि आज आपका बेटा आपके सामने परफॉर्मेंस दे। ओके सर, जोरदार ताली हो जाए।
चलिए मास्टर मुदस्सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आशीष का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? आशीष, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. बहुत ही पैशनेटली आपने उसको किया. बोलते ना, थॉट का पैसा है बंटा है. तो वो है ये कि हर इंसान जिंदगी में आता है और जाता है, पर जो साया है खुद का वो जिंदगी भर साथ रहता है. बिल्कुल. तुमने एक कुछ लिखा और उसको मिटाया, वो मुझे बहुत प्यारा लगा मोमेंट. लिख के मिटा जो लाइन है, बहुत प्यारा मोमेंट था वो. वन हैंड स्टैंड तुमने किया 2-3 बार, बहुत ही बैलेंस था वो. मतलब ऐसा लगा कि उस वक्त के लिए वो लम्हा रुक गया. थैंक यू सर. कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे एक्सप्रेशन थोड़े से एकदम माइनर आए नहीं, फेस थोड़ा झुक गया ऐसे कहीं पे. अदरवाइज इट वॉज ब्यूटिफुल. इस पूरे थॉट के लिए काबिल तारीफ है मास्टर पुनीत एंड योर परफॉर्मेंस. ऑल द बेस्ट, अमेजिंग परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. मास्टर पुनीत, द एंटायर कोरियोग्राफी विद द वॉल, जो आप इंट्रिकेट कर रहे थे, आप बुला रहे अपने शैडो को, शैडो ही आपको भिजा रहा है, फिर शैडो अपने दिमाग से निकलता है, देन एंटायर थॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड ब्यूटिफुली डन. थैंक यू सो मच आशीष फॉर सच अ ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच टू यू सर. थैंक यू सो मच मास्टर्स. चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आशीष के माँ बाप से बातें करना चाहूंगा. आपको कैसा लगा पहले ये बताइए. पूरे हिंदुस्तान में सारे बालकों ने धुम्मा उठा दिया. बहुत अच्छा लगा इसका ये डांस, मैंने तो पहली बार देखा है टीवी पे डांस करते हुआ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि अनुराधा प्लीज मंच पर आ जाए. सो माँ से गई थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से अनुराधा एंड आशीष ने कैसा किया. आशीष, मेरी आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है. आज के एक्ट में आपकी मुझे डांसिंग उतनी स्ट्रांग नहीं लगी. स्ट्रेंथ और वो सॉफ्टनेस का जो कॉम्बिनेशन आप हमेशा दिखाते हैं वो मिसिंग था. आपने पिरुएट्स ट्राई किए, आपके नीज बेंड थे, आपके फीट पॉइंटेड नहीं थे. ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स हाईलाइट वॉज दैट शैडो मूविंग. ब्यूटिफुली डन, वेरी नाइसली डन, लवली. अनुराधा, इन टर्म्स ऑफ पैशन, प्रणीता डांस करती है, अनिला डांस करती है, ऑल द गर्ल्स, सब में पैशन है, मगर आप में वो सबसे ज्यादा है. थैंक यू मैम. सबसे ज्यादा है आपकी एनर्जी. हाँ, सेकेंड हाफ में ड्रॉप हुई, मगर आपने एंड तक कैरेक्टर नहीं छोड़ा, आप वापस गई. आई लव दैट मोशन दैट यू डिड विद द सैंड. बहुत अच्छा था, बट आई जस्ट थिंक जान चाहिए था ऐसे स्टाइल में, एंड इट वॉज अ न्यू स्टाइल फॉर यू, तो आपकी बॉडी ने आपका साथ नहीं दिया. But again, well done for trying something new. Thank you, ma'am. You are one person who's really pushing yourself. Well done for that. Thank you so much, masters. Grandmaster, ab aap bataiye aapka faisla. Ashish bhai, sab kuch nazarandaz karta hu. You know, the best thing jo aapke bare mein mujhe laga, ki I was watching your landing. Aisa lag raha tha koi feather touch. Effortless landing kar rahe the aap. In your act, I think the thought was much more powerful than your dancing. Aapke presentation overshadow kar gaya aapke performance ko. Lekin iska matlab ye nahi ki aapne acha nahi kiya. Aapne bahut acha kiya hai. Thank you sir. Aankhon ko sukoon aaya. Thank you. Anuradha ki baat kare, aap comfort zone se bahar aake aap koshish karti ja rahi ho. Pata nahi kya ho raha hai. कहीं आप लोग फिनेस से दूर भाग रहे हो, दूर भाग रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. आई नो मुदस्सर कि मुदस्सर कोई चीज छोड़ेगा नहीं, उसमें वो खासियत है, वो लास्ट दम तक लड़ते हुआ चला जाएगा. तो अगर मुदस्सर ने किया, आपने क्यों नहीं किया. आशीष, यू आर वंडरफुल डांसर, आई कैन सी अ स्टार इन यू, एंड यू फॉर यू आई वॉन्ट टू से कि योर ग्रोथ इज फैंटास्टिक. I wanted to save you. You're not safe. Sorry. मैं चाहूंगा कि आप उस रेड सोफे पे जाके बैठ जाएं, और आशीष आप अपनी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं.